तो यहाँ हम हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा डैशबोर्ड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डैशबोर्ड का पार्ट टू है हमारा ये, और ये डेटा जो हमने लास्ट क्लास में लिया था उस डेटा पे चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें मुझे निकालना है रेजुलेशन रेट, एजेंट रेजुलेशन रेट, राइट। और मैं इसमें देखिए वहां पे कुछ और है, बट यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ कि एजेंट ने कितने टाइम में, क्योंकि मान लीजिए ना कि हमारा जो टाइम है, मतलब नंबर ऑफ डेज है, वो नंबर ऑफ दिस मीटिंग इज बीइंग हमारा रिकॉर्डेड। 5 है, ठीक है ना। 5 से ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज को कितने मतलब कि ये चाहता है कि काउंट ऑफ टोटल जितने भी क्यूरी टास्क आया है, टिकट नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, और फिर इसको सम करना है, फिर उसका परसेंटेज हमें निकालना है। समझ गया। तो चलिए इसके लिए हम मेजर्स निकालते हैं, मेजर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे मेजर्स, मेजर्स में हम यहाँ पे रेट का इस्तेमाल करते हैं, रेट। और इसमें हम देते हैं सम, सम में हम देते हैं, नहीं काउंट करना है हमें, हाँ सम ही करना है, पहले डिवाइड करना है। हाँ सम, सम में हमें करना है, और सम में हमें देना है इसमें काउंट ऑफ ये सम ऑफ टाइम टेकन डिवाइड बाय काउंट CoUn काउंट, और काउंट में हम एन नंबर कर देते हैं, या काउंट, यहाँ काउंट में एन नंबर, तो रेट निकल जाएगा। रेट हमारा कैलकुलेट हो गया। तो हमें ऐसा चार्ट पे रखना है जो कि मुझे दिखे वहां पे। चलिए ऐसा चार्ट हम ढूंढते हैं, ठीक है। करो ये क्या है, 256, यहाँ 200, यहाँ पे 50, यहाँ पे 6, अब यहाँ पे हम इस वाली चार्ट को लेते हैं। चार्ट में हम रेट को डालते हैं, रेट में यहाँ परसेंटेज हमारा दिख रहा है। अब यहाँ एक काम और करते हैं, एक मेजर्स और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 100% के, 100% यहाँ पे 1, यहाँ 50, 256 करना है, जोड़ लीजिएगा एवरेज होगा। यहाँ पे जो 100 का हमने लिया हुआ है ना, इस 100 को हम डाल देते हैं। उसके बाद इसके फॉर्मेट पे जाते हैं और इसकी
बैकग्राउंड जो है लेजेंड एक्सेस, बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं, टाइटल रखने देते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेजेंड, ठीक है, और यहाँ पे टाइटल तो ऊपर का टाइटल तो रहने देते हैं, बैकग्राउंड हट गया, टूल टिप और ये विजुअल हटा देते हैं। अब इसकी जो कलर है, डेटा कलर, इस पे आते हैं, तो इसको जो 100% वाले है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इसको कर देता हूँ मैं ग्रे, ठीक है सर। इसका, हाँ, इसका जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर भी हटाना होगा, बॉर्डर्स, बॉर्डर तो ऑफ किए हुए हैं फिर भी बॉर्डर दिख रहा है। हाँ नहीं बोला नहीं है, ये कर्सर जाने पे दिखता है। अब इसको हम छोटा करते हैं, और फिर इसको उठा के इसके ऊपर यहाँ, ठीक है सर। उसके बाद अगला जो हमारा है, अगला डेटा में हम आते हैं, ये तो हमने निकाल लिया रेट कि भाई कितना टाइम टेकिंग रेट है, ठीक है। और दूसरा हमें जो कैलकुलेट करना है कि कितने क्लोज है, समझे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स में से कितने क्लोज हुए, मतलब कि हमें वो रेट निकालना है कि हम कितने परसेंट ट्रिगर कर दिए, समझे। तो इसके लिए मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे हम देते हैं सॉल्व या क्लोज कर दीजिए, यहां पे क्लोज, पे 200 लिखा होगा, 200 हुआ ना, 2 + 2 तो अच्छा 2596 होगा। सेम यहाँ पे 300 हो जाएगा तुम्हारा, 10 फिर 7 एक्सपेंड करना है बेटा। मैट क्या हो गया, गलती से क्लिक हो गया सर, यहाँ पे देना है सम एक्स, सम एक्स पे देंगे फिल्टर, फिल्टर में होगा आपका डेटा, आईटी डेटा, और इसमें होगा स्टेटस इक्वल टू क्लोज, और हमें माफ कीजिएगा हम यहाँ समित नहीं काउंट एक्स लगाना है, हमें काउंट ए एक्स, और हमें इसमें सम का काउंट करना है स्टेटस को। काउंट ए, काउंट एक्स होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे हम एक्स का लगाना है भूल गए। हाँ अब यहाँ पे आएगा अब ये क्या निकलेगा हमारा टोटल काउंट, क्लोज, हाँ क्लोज का काउंट निकल गया। अब इसको हम डिवाइड बाय काउंट और में टी नंबर कर देते हैं, टाइम टेकन हो गया माफ कीजिएगा, टी नंबर, ये परसेंटेज निकल गया हमारा।
ये तो नंबर में नहीं निकलेगा सर, ये तो परसेंटेज के लिए तो 100 से ये करना पड़ेगा ना। पॉइंट पे निकला सर, परसेंटेज थोड़ी शो करना है यहाँ पे, हमें तो चार्ट पे देना है ना। जी कि मैं एक और सेम चार्ट लूंगा, इसमें मैं क्लोज नाम का जो हमने अभी बनाया ना, कहा गया क्लोज, से 5 को डिवाइड करना है ना, डिवाइड नहीं, 7 5 तो कितना होता है, और फिर जो 100% का एक कॉलम बनाया ना वो डाल दूंगा, समझे? आ गया सर? जी अब मैं इसकी और इसकी सारे एक्सेस वगैरह हटा देता हूँ, लेजेंड हटा देता हूँ, डेटा कलर में आता हूँ, ये जो आपका ब्लू है उसको मैं रेड कर देता हूँ मोर कलर में जाके। ठीक है, और इसको ग्रीन कर देता हूँ, उसके बाद इसको छोटा कीजिए और इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, लेकिन मैंने इसकी बैकग्राउंड वगैरह हटाई नहीं है, तो आपको बैकग्राउंड वगैरह हटाना पड़ेगा। यहां से बैकग्राउंड टाइटल रहने दीजिए। ओके सर, आया समझ में? तो ये रेट आ गए, और इसमें क्या क्या हटाना है, अब ये हमारा हो गया। अगला जो हमारा है वो है कि हमें ये सर्टिफिकेशन रेट जो है हमारा वो देना है, ये जो हमने लिखा क्या है सर, ये जो रेट है हमारा ये देना है, इसमें क्या है कि हमें सिर्फ इसमें बबल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए। कैसे होगा? तो सबसे पहले तो मैं यहां इंसर्ट में आता हूं, टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं और ये मैं टाइटल डाल देता हूं, टाइटल को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, थोड़ा सा बड़ा, इसको व्हाइट कलर कर देता हूं, व्हाइट कलर बाद में करूंगा, पहले मैं इसको ठीक है, इसको छोटा करते हैं और इसको उठा के हम, और इसकी जो कलर है कलर को वाइट कर देते हैं, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड दिख रहा है सर, बैकग्राउंड के लिए हमें यहाँ इसकी बैकग्राउंड ऑफ कर देना है, बॉर्डर वगैरह आउट कर देना है बस। अब मुझे यहाँ पे 3 स्माइली चाहिए, तो जैसा कि बताया मैंने आपको तो हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो 3 स्माइली हमें गूगल से लेने पड़ेंगे। डिवाइस दिखाई, डिवाइस दिखाई थे इसको,
इसमें अब रेट पे आते हैं। रेट क्या है? रेट जो है 5 तक है, तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को बैड में रख देते हैं, 3 वाले को मीडियम, 3 और 4 वाले को मीडियम और 5 वाले को हाई कर देते हैं। ठीक है सर, इसकी काउंट मुझे निकालनी पड़ेगी पहले, तो आते हैं इस पे। यहां पे मेजर्स पे आते हैं, इसमें हम पहला देते हैं बेस्ट, बेस्ट में हम देते हैं यहां पे, हमें इसकी परसेंटेज भी निकालना है ना सर, तो सम एक्स फिल्टर, फिल्टर में हम आईटी डेटा को लेते हैं और इसके अंदर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। एक्सप्रेशन में हमें सम करना है इसको कस्टमर रेट को, तो ये हमारा बेस्ट निकल गया, बेस्ट का नहीं, बेस्ट का सम निकला है, परसेंटेज नहीं निकला, हमें इसका परसेंटेज चाहिए ना सर, तो परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय सम कस्टमर रेट, ये होता है ना सर, परसेंटेज आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको लेते हैं, सेव एज करते हैं इसको, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो होता नहीं, हमें सेव ही करना पड़ेगा, और इसको हम पिक्चर्स में बेस्ट के नाम से सेव कर देते, ओके। और यहां पे हम इसको इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर्स को, इमेज को यहां से लेके आते हैं, इसमें से पिक्चर्स एंड पेस्ट, और इसको छोटा करते हैं जितना बड़ा हमें रिक्वायरमेंट है, और इसको यहां रखते हैं। ठीक है, और फिर यहां पे हम कार्ड लेते हैं, और इस कार्ड में हम बेस्ट को यहां रखते हैं, बट प्रॉब्लम है कि देखने बेस्ट जो है सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, सी डिटेल एक मिनट, कैलकुलेशन सही से नहीं हुआ का, एक मिनट इसका हम बेस्ट को डालें ताकि पता तो चले कि क्या कैलकुलेट हो रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है सर, बेस्ट पे आते हैं वापस,
greater than equal to 5 oh sum x filter greater than equal to 5 फिल्टर यहाँ क्लोज हो गया। आईटी डेटा का मुझे कस्टमर रेट चाहिए। सर 5 होगा ही नहीं कहीं। नहीं सर, यहाँ पे हमने सिंपल सा एक चीज छोड़ दिया है, वो है हमें कस्टमर रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करना था। ये गलत किया हमने। सर क्या करें सर, एक्सेल वाली चीजें घुसेड़ देता हूँ उसमें। अब आएगा, अब आ गया ना सर। तो मैं डिवाइड करूंगा सम और कस्टमर रेट से, तो परसेंटेज आ जाएगा। ए इसमें आया, जीरो में आया, क्योंकि हमने यहाँ इसकी फॉर्मेट में आते हैं और डेटा लेबल एक मिनट कलर ये है और डिस्प्ले यूनिट फॉन्ट फैमिली कैटेगरी वर्ड बैकग्राउंड पहले हटा देता हूँ। अच्छा, इसमें नंबर की फॉर्मेटिंग का सिस्टम नहीं है सर, समझे, ताकि हम उसको परसेंटेज वगैरह में कर सके। इसकी कोई फॉर्मेटिंग का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। दो डेसिमल प्लेसेस हम कर देते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें वेस्ट में जाना होगा और ये तो डेसिमल में आया होगा, इस दोनों को ब्रैकेट में रखिए और इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए ताकि नंबर में आए। आ गया 35। अब इस 35 के साथ मैं कॉन्केट करना है परसेंटेज का सिंबल। ताकि परसेंटेज शो ये तो बहुत बड़ा आ गया। नहीं नहीं सर, हेलो, इसमें फॉर्मेट वाला फॉर्मूला लगा देते थे। हाँ, जो एक मिनट, तो इसको अब एक काम कर देते हैं, इस मल्टीप्लाई बाय 100 को हटाते हैं और इस पूरे को हम रख देते हैं फॉर्मेट के फॉर्मूले में। आपने सही बोला फॉर्मेट, और हमने यहाँ पे कॉमा 0%। जी हाँ, अब यहाँ पे हम इसको छोटा करते हैं, इसके फॉर्मेट में आते हैं, इसकी जो टेक्स्ट साइज है डेटा लेबल की, ये देखिए, पहले तो इसको जीरो कर देता हूँ और जो टेक्स्ट साइज है ये इसको हम कम करते हैं, सॉरी बढ़ा रहे हैं, मैं इसको 15 करता हूँ। ठीक है, और इस 15 को उठा के हम यहाँ रखते हैं। सर इमेज में जो वाइट बैकग्राउंड है उसको नहीं हटा सकते सर? वो तो इमेज का पार्ट है ना, इसकी लगता है चिपकाया हुआ है। परसेंटेज जैसे बढ़ता है वैसे वो फेस अलग होगा और अगर घटता है तो फेस अलग होगा, ऐसा नहीं, ऐसा अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो तीन हमें देना है ना स्माइली। हाँ, स्माइली थ्री, तीन स्माइली देना है यहाँ पे, हाँ, ए ए और ए। ठीक है,
ये आपका गुड पे है, बैड पे है, मतलब एक रेट है कि अच्छे रेट कितना परसेंट ने दिया है, मीडियम कितना दिया है, पुअर कितना दिया है। अच्छा, तो उसके लिए अलग अलग फेस लगा के वो कर सकते हैं। जी, हाँ क्लियर है। क्लियर है। तो ये डेटा मैंने आपको भेजा था लास्ट टाइम दिवाकर जी। सर मेरे को नहीं भी नहीं नहीं है सर, तो ये ऐसा डेटा नहीं।